तो हेलो गाइस, मेरा नाम है भगवान चौधरी और आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 स्किन लाइटनिंग मेडिकेटेड क्रीम्स के बारे में। और गाइस, जो आज मैं जो क्रीम्स बताने वाला हूँ, सारी की सारी डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं स्पेशली फॉर स्किन लाइटनिंग के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन, मलिज्मा, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट या फिर एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए। तो गाइस, अगर आपका भी है स्किन डार्क या फिर डल है या फिर एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है, डार्क धब्बे है, तो आज की वीडियो आपके लिए। क्योंकि गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच क्रीम्स लेके आया हूँ और वीडियो के एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी और कौन सी क्रीम का कब तक आपको रिजल्ट मिलेगा, कौन सी क्रीम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए, कौन सी क्रीम हमारी स्किन के लिए सेफ है और कौन सी क्रीम को आप किस किस पर्पस वे में और किस किस प्रोसेस से यूज में ले सकते हैं। तो गैस, अगर आपका भी है स्किन डार्क या फिर डलनेस है, स्कार्स है, डार्क स्पॉट है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आज की वीडियो आपके लिए, आज की वीडियो आपको पूरे एंड तक देखनी है। अगर आपको वीडियो लगे थोड़ी बहुत भी अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गैस, अगर आप और भी हमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर मेरा पर्सनली व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में इजिली मिल जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चन नहीं आप हमें वहां पर पूछ सकते हो। देखो गाइस, मेरा पर्सनली नंबर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कॉल कर करके परेशान करो। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको कॉल नहीं करना है, जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमें मैसेज कीजिए, आपका 100% रिप्लाई मिलेगा। तो गाइस, अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की टॉपिक पर। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं पीछे से, मतलब कि जो हमारा पांचवा नंबर का क्रीम कौन सा है। तो हमारा जो पांचवे नंबर पर जो क्रीम आता है वो है डी मलैन क्रीम। गाइस, मैं सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसमें अल्फा आरबुटिन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, बैरी बैरी एक्सट्रेट यूज में लिया गया है, जो कि हमारी स्किन के लिए सेफ है। कंपनी ये क्लेम करती है कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट है, एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है या फिर टैनिंग हो चुका है आपके फेस पर, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक देता है। देखो गाइस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जानो, तो अगर आप इस क्रीम को स्किन लाइटनिंग के लिए यूज में लेना चाहते हो तो आप इजीली इसको यूज में ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके फेस पर स्कार्स है, डार्क स्पॉट है, एक्ने पिंपल्स के मार्क्स है, तो उसके लिए भी यूज में लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। ये आपकी स्किन के लिए सेफ है, लेकिन इसको यूज ओनली फॉर नाइट टाइम यूज करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्रीम को 1 मंथ से 2 मंथ यूज करते हो तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस 20 ग्राम का जो पैकेज आता है उसका प्राइस 450 रुपीज़ है, जो कि इजीली आपको कॉस्मेटिक शॉप, मेडिकल शॉप और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो मेरी दी हुई डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इजीली परचेस कर सकते हो, तो आपको इजीली वहां से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस, अब हमारा चौथा नंबर का जो हमारा क्रीम है वो है कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम। गाइस, मेरे चैनल पर मैंने काफी इस पर वीडियोज बना रखी है। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स, तो इसमें कोजिक एसिड, एल ग्लूटाथियोन, आरबुटिन, विटामिन सी एंड विटामिन ई यूज में लिया गया है, जो कि हमारी स्किन के लिए सेफ है। अगर मैं कंपनी के क्लेम्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी ये क्लेम करती है कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ आपके फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन, मलेजमा, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट, एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक देता है। और ये बात भी सही है कि इस क्रीम को डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं और इस क्रीम को स्पेशली फॉर स्किन लाइटनिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद ने पर्सनली यूज किया और मैंने काफी लोगों को इस क्रीम को सजेस्ट भी किया। तो गाइस, अगर आप इस क्रीम को स्किन लाइटनिंग के लिए यूज में लेना चाहते हो तो मैं आपको 100% सजेस्ट करने वाला हूँ। ये हमारी स्किन के लिए 100% सेफ है, लेकिन यूज ओनली फॉर नाइट टाइम यूज करिएगा। डे में आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग क्रीम और सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे नंबर का क्रीम। तो गाइस, हमारा जो तीसरे नंबर का जो क्रीम है वो है बेलोमा स्किन लाइटनिंग क्रीम। गाइस, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसमें कोजिक एसिड, आरब्यूटिन, लिकोरिस एक्सट्रेट, मलबरी एक्सट्रेट यूज में लिया गया है, जो कि हमारी स्किन के लिए 100% सेफ है। देखो गाइस, इस क्रीम को भी कंपनी की क्लेम्स वही है कि आपकी स्किन के लाइटनिंग इफेक्ट देता है, साथ ही साथ आपकी स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट है, एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मलेजमा है, अनइवन स्किन टोन, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक देता है। तो गाइस, मैं बता दूं, अगर आप इस क्रीम को स्किन लाइटनिंग के लिए यूज में लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, ये हमारी स्किन के लिए 100% सेफ है।
लेकिन इसको ओनली फॉर नाइट में यूज करना। अगर आप इसको यूज करते हो 2 से 3 महीना तो ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव जरूर करेगा। तो गाइस अब चलते हैं हमारी दूसरी क्रीम, जो हमारा दूसरा जो हमारा स्किन लाइट मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग क्रीम है, अगर मैं दूसरा बताऊं आपको तो है मेलाग्लो रिच स्किन लाइटनिंग एंड वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम, जो कि स्पेशली फॉर मैंने चलाता हूँ, मतलब कि मैंने सबसे ज्यादा जो सजेस्ट किया ना वो यही क्रीम है। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, पिट्रोवाइट, आर्बुटिन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन ई यूज में लिया गया है, जो कि हमारे स्किन के लिए सेफ है। कंपनी ये क्लेम करती है कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ अगर आपके फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन, मलेजमा, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट या फिर एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के साथ आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक देती है। देखो गाइस मेरा एक्सपीरियंस जानो, तो अगर आप इस क्रीम को स्किन लाइटनिंग के लिए यूज में लेना चाहते हो या फिर एक्ने पिंपल्स के स्कार्स के लिए या फिर डार्क स्पॉट के लिए यूज में लेना चाहते हो, तो आप इसको 100% यूज में ले सकते हो। अगर आप 1 मंथ टू 2 मंथ यूज करते हो तो ये आपकी स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ छोटे मोटे जो स्कार्स है या फिर मार्क्स है उन सारी प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करेगा। तो गाइस अब हमारा जो पहले नंबर का जो क्रीम है वो है कोजीवेट प्लस जेल। गाइस इस क्रीम को भी डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें कोजिक एसिड, आर्बुटिन, मलबरी एक्सट्रैक्ट, ग्रैप स्पीड, अलांटन, ग्लाइकोलिक एसिड और नाइजनामाइड यूज में लिया गया है, जो कि हमारी स्किन के लिए सेफ है। देखो गाइस कंपनी वाले यही क्लेम करते हैं कि स्किन लाइटनिंग स्किन ब्राइटनिंग करता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करता है। सीधी सी बात है गाइस, मैं सबसे पहले बता देता हूँ सबसे बेस्ट कौन सी। मेरे हिसाब से मेलाग्लो का रिच स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम सबसे बेस्ट है। सेकंड नंबर का कोजिकेयर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम मेरे सबसे बेस्ट है। दो क्रीम मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही क्रीम के रिजल्ट बहुत ही फास्ट आपको मिलने वाले हैं और इनको आप नाइट में यूज करिएगा, डे में आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। डे में आपको रेगुलरली सनस्क्रीन अप्लाई करनी है।